200
41. तो इसकी स्पेलिंग भी हमने आराम से लिख दी है। ठीक है, अब चलिए हम अपना तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर हम लोग कॉमा लगा देंगे। अब इसमें हम अब ये भी डिवाइड रहेगा, देखिए दो डिजिट छोड़ के हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, 3 डिजिट बच गया। ठीक है, अब हम लोग इसे आराम से काउंट कर लेते हैं। 1s, 10s, 100s, 1000s, 10000s। ठीक है, यानी 36,000 and 900. तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। देखिए क्या है, 63,269. अब इसमें हमें कैसे कमा लगाएंगे, देखिए अगर इसमें हम लगा देंगे तो दो डिजिट्स का हम लोग दो डिजिट के मुताबिक तो लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट नहीं बचेंगे, 2 डिजिट बचेंगे। तो देखिए अगर अच्छे से डिवाइड हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डिजिट पे हम लोग एक कॉमा लगा देंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक कॉमा लगा दिया, अब देखिए आराम से हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 पे हमने कॉमा लगा दिया। अब हम लोग 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे लगा देंगे, फिर उसके बाद ये 3 डिजिट हम यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसकी स्पेलिंग लिखते हैं, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10000s, 100,000. तो क्या होगा, 6,32,32. ये यहाँ पे हो गया 6,32,100 and 699. ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब हम लोग अपना पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। क्या है हमारा, 10023। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं, फिर हम लोग कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी दीवार नहीं होगा, तो हम लोग एक कॉमा यहाँ पे लगा देंगे, 2 यहाँ पे लगा देंगे। और देखिए 3 डिजिट हो गया। अब हम लोग इसका काउंट करते हैं, 1s, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10000s, 100,000. तो क्या हो गया, 1,00,000. ठीक है, अब देखिए यहाँ 0,0 है तो हम डायरेक्ट 23 लिख देंगे, लेकिन 1 देखिए कैसे 1,20,23. ठीक है, अब चलिए हम अपने बाकी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाय फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा क्वेश्चन है 3,90,077. तो इसे हम लोग लिख लेते हैं 3,90,077. ठीक है, अब हम लोग इसे कॉमा पुट कैसे करेंगे, देखिए देखिए ये भी अच्छे से दर्ड हो रहा है, अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो 2 ही अंक बचेंगे, इसलिए पहले हम लोग यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, देखिए 3 अंक भी बच गए। अब हम लोग इसे लिख लेते हैं, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10000s, 100,000. तो लैख, ठीक है, 3 लैख। अब देखिए अब हम लोग कैसे लिखेंगे, अब देखिए यार 9 के बाद तो 0,0 है, तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, ये हो गया हमारा 90,000। ठीक है, फिर देखिए अब 0 है तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे एंड 77. ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब हम इस नंबर को लिख लेते हैं 4,22,3,0,4,5. अब देखिए हम लोग कॉमा लगा देंगे, देखिए यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमने लगा दिया
यहाँ पे हमने लगा दिया और देखिए तीन अंक भी बचे, ठीक है। अब हम इसका स्पेलिंग लिख लीजिए, वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक और टेन लैख, मतलब 42 लाख, ठीक है, 42 लाख वेन 23,000 फिर हमारा एंड नंबर पर ले जो हमारा, ठीक है। अब हम लोग इसमें सिंपल तरीके से कम अप करेंगे, यहाँ यहाँ अब हम लोग इसे स्पेलिंग लिख देते, क्या है, वन टेन सेवन थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टेन यानी 11 लाख, ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी यहाँ पे और फाइव ट्वेंटी फाइव थाउजेंड क्या और क्या हमारा 789 एंड 789 ठीक है। अब ये भी हो गया। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, सुन लोग लिख लेंगे 5 6 सिंपल तरीके से कम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, हो जाएगा हमारा। अब हम लोग के लिए वन टेन थाउजेंड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टेन यानी हो जाएगा हमारा 76 लैक, ठीक है, और 50 ठीक है और हमारा एंड 300 आखिरी क्वेश्चन लिख लेते, क्या है, 230 ठीक है। अब देखिए कॉमा लगा लेते हम लोग यहाँ पे देखिए, अब देखिए वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक और टेन लैक यानी देखिए 23 लैक थ्री लैख। अब देखिए यहाँ पे जीरो है, मतलब हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 6,000 क्योंकि देखिए 10,000 की जगह पे जीरो है तो ये 10,000 हो नहीं पाएगा तो हो जाएगा 6,000 एंड 400 हाय फ्रेंड्स, आप देखिए हमने अपना सारा क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिया और इस वीडियो में हमने वर्कशीट पर किया है। अगले वीडियो में हम लोग आपके लिए वर्कशीट 2 करेंगे, तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। थैंक यू।